तो नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश न्यायिक परीक्षा जीएस मेंस को लेकर काफी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और ये क्लास एक मिसलेनियस क्लास होगी जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को और ये बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश जीएस मेंस का जो पेपर होता है इसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, यानी फुल फॉर्म हो जाए तो हो जाए, बाकी और कोई चीज़ रिपीट नहीं होती है। हल्का फुल टॉपिक रिपीट होते हैं लेकिन क्वेश्चन एज इट इज रिपीट नहीं होते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं जिससे आप लोगों को एक्सपेक्टेड चीज़ें पता लग जाएंगी। ठीक है, आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को मुख्य परीक्षा के तौर तरीके के ध्यान में रखते हुए कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को कराऊंगा जो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को भी पसंद आएंगे। आप लोग इन्हें नोट करते रहिएगा मेरे साथ ही। सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल करंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक इकोनॉमिकल एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट को हम लोग पढ़ेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, भारत और ऑस्ट्रेलिया, मैं भी इंग्लिश में भी लिखूंगा इसको। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता, ये हमारा टॉपिक है। आप लोगों को ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध से आप क्या समझते हैं, हाल ही में हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आर्थिक सुधारों के तहत जो समझौता हुआ है उसकी विशेषता आप लोग बताइए। तो इसके मैं क्वेश्चन का प्रारूप भी बता दूंगा, इसी टॉपिक में हम जनरल डिस्कशन भी कर लेंगे। इंग्लिश में मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इस एग्रीमेंट के आप लोगों से इफेक्ट पूछा जा सकता है, सिग्निफिकेंस पूछे जा सकते हैं, इंपोर्टेंस पूछी जा सकती है और रिलेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। और ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ आजादी के बाद ऐसा पहला एग्रीमेंट हुआ है जिसे आप अभी पढ़ के आप लोगों को काफी समझ में आ जाएगा कि ये कितना दोनों देशों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस एग्रीमेंट पे जाने से पहले मैं आप लोगों को इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देता हूं। आप लोगों को पता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के पुराने समय से ही, पहले समय से ही काफी रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर है, आप लोग इसको नोट कर रहे हैं। अगर हम इस एग्रीमेंट की बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भारत के बहुत सारे छात्र वर्ग, स्टूडेंट और जो हमारे वर्क वीजा पर, यानी भारत के लोग ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं तो वहां पर काम करते हैं, वहां पर फिर बसने लगते हैं, खासकर सिख कम्युनिटी आप लोग देखते होंगे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जाती है, और भारत का बिजनेस जो ट्रेड है वो भी अदर कंट्री के मुकाबले काफी ज्यादा रहता है एक दूसरे के बीच में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए। तो 22 नवंबर आप लोग इसके पॉइंट्स याद कर लेंगे, 22 नवंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया की संसद ने, यानी जो भारत की, ऑस्ट्रेलिया की जो पार्लियामेंट है, आप लोग ये पॉइंट में लिखते रहना प्यारे साथियों, आप मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट कर देंगे। 22 नवंबर 2022 को जो ऑस्ट्रेलिया की जो संसद है उसने इस बिल की, इस एग्रीमेंट की अनुमति दी और इसी के साथ मतलब इसको अप्रूवल दिया, मंजूरी प्रदान कर दी इस बिल को, और इस बिल का नाम था ECPTA। आप लोग इसको जो है नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ECTA। ये एक तो आप लोगों के मुख्य परीक्षा में इसकी फुल फॉर्म भी लिखने के लिए आ सकती है, यूपी एपीओ में भी देखा होगा कुछ फॉर्म, फुल फॉर्म
बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोगों को आई थी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इकोनॉमिकल, आप लोग लिख लेंगे इकोनॉमिक, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। एक तो ये फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखेंगे, यानी इस बिल की मंजूरी किसने दी भैया, आप लोग नोट कर लेंगे, किसने दी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। कब दी, नवंबर 2022 में, आप लोग याद करेंगे, ठीक है भैया। अब 29 दिसंबर को आप लोग दूसरी डेट लिखेंगे, ये पॉइंट नंबर वन है, ये पॉइंट नंबर टू है। 29 दिसंबर 2022 को अब क्या होता है, इस बिल के साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों ने एनफोर्समेंट कर दिया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया है, यानी इसको क्रियान्वित कर दिया गया, लागू कर दिया गया इस बिल को जो है, या इस एग्रीमेंट को, इस ट्रीटी को लागू कर दिया गया दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों ने इसको लागू कर दिया है, ठीक है, क्लियर है। अब आप लोगों को यहां पर ही हेडिंग डालनी है, आपने मुख्य परीक्षा में जब आप लोग इसे लिखेंगे, अब इसकी हेडिंग डालेंगे कि इस बिल के अनुसार या अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट, हेडिंग डाल के आप लोग लिखेंगे इस एग्रीमेंट के अनुसार, ठीक है। जब भी आप लोग अकॉर्डिंग लिखें या अनुसार लिखें, प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, इंग्लिश या हिंदी मीडियम वाले, तो आगे आपको एक लाइन ऐसे जो है कर देनी है और रोमन में अपना लिखना स्टार्ट करना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट आप लोगों को लिखना है, पॉइंट नंबर यानी इस विषय, अब आपको क्वेश्चन पे ध्यान भी देना है प्यारे साथियों, क्वेश्चन पूछा है कि विशेषता बताइए, तो आप लोगों को हेडिंग लिखनी है कि इसके विशेषताएं निम्नलिखित हैं, इस तरह के शब्दों का भी, क्वेश्चन के अनुसार शब्दों का प्रयोग भी करना है आप लोगों को, ठीक है ना। आप लोगों से आए कि इसका महत्व बताइए, तो इस बिल के इंपोर्टेंस इस प्रकार है, ये आप लोग या ये जो है याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अरुण जी कह रहे हैं सर ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट, भैया ऑस्ट्रेलिया की बात चल रही है, यहां वर्तमान में जियो, 1950 की बात मत जियो, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, क्लियर है। पहली बात इसमें जो है 100%, अब आप लोग लिख लेंगे जो हमारा क्या होता है, टैरिफ लाइन होती है, यानी जो सीमा शुल्क होता है, वो जो है शुल्क जो है फ्री कर दिया है, पूरी तरीके से शुल्क समाप्त कर दिया है। 100% जो है टैक्स दोनों देशों के बीच में, जो भी कमर्शियल टैक्स है, एक्साइज टैक्स है, किसी तरीके का भी टैक्स था, वो खत्म कर दिया गया है। इसमें आप लोग नोट कर लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले, टैरिफ करके नोट कर लेंगे, टैरिफ लाइन टैक्स, ये आप लोग जो है नोट कर लेना, इसको जीरो कर दिया है, क्या कर दिया है, जीरो कर दिया है, यानी एक प्रकार से फ्री कर दिया है, पहली बात आप जो है लिखेंगे, ठीक है। और साथ में दूसरा आप लोग याद रखेंगे, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, ये जो एग्रीमेंट है ये 5 सालों के लिए, 5 ईयर के लिए वैलिड होगा, 4-5 ईयर के लिए ये वैलिड है, यानी 5 सालों तक हमारे दोनों देशों के बीच में जो भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगा वो क्या होगा, अब फ्री होगा। क्लियर होगी बात आप लोगों को, क्लियर होगी बताइए मुझे, यानी एक प्रकार से कहें तो 100% सीमा शुल्क जो है वो तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया है, ठीक है, क्लियर है, आप लोग मुझे बताइएगा। अब यहां पर आप लोगों को मुख्य परीक्षा में ध्यान रखना है पॉइंट्स, क्योंकि ये तो इसके आप लोगों ने इसके कंडीशन बताइए कि इसमें क्या क्या होगा, इसके तहत आप लोग लिख लेंगे, इसी के तहत क्या होगा आप लोग लिख लेंगे, ऑस्ट्रेलिया सरकार भारत के 1800 क्या होंगे, गुरु, जो रिलीजियस गुरु होते हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पंडित हो, जो रिलीजियस पॉइंट हो, चाहे वो पादरी हो, यानी भारत की सरकार ऐसे केवल वर्क वीजा पर किन्हीं को, जो रिलीजियस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग वहां पर जो लोग ऑस्ट्रेलियन लोग हैं या फिर भारत के लोग जो रह रहे हैं, जो अपने घरों में पूजा करवाना चाहते हैं,
कोई मस्जिद है उसमें नमाज पढ़वाना चाहते हैं, ऐसे कुल 1800 लोगों को वर्क वीजा दिया जाएगा। केवल किस ग्राउंड पर? यदि वो धार्मिक आधार पर वहां पर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। तो वर्क वीजा फॉर आप लोग लिख लेंगे रिलीजियस पर्पस, ये आप लोग नोट कर लेना। क्लियर है? बात क्लियर होगी आप लोग। और इसी में आप लोग चाहो तो गुरुओं के ब्रैकेट में आप लोग यहां पे गुरु, यानी जो गुरु होंगे रिलीजियस गुरु, गुरु, और यहां पर आप लोग जो खाना बनाने के सेफ होते हैं वो भी यहां पे ऑब्लिक लगा के नोट कर लेना। बात क्लियर हो गई आप लोगों को? साथ में इसमें कह दिया कि भारत के ऑस्ट्रेलिया में रह रहे बच्चे जो छात्र हैं, स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट रह रहा है, उसका जो वीजा है वो 4 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। 4 ईयर के लिए स्टूडेंट वीजा, स्टूडेंट वीजा क्या है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। आप लोग जो है इसको भी नोट कर लेना, ये 4 साल के लिए वीजा बढ़ा दिया गया है। क्लियर है? यानी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारत के छात्रों का 4 साल के लिए वीजा अवधि बढ़ा दी गई है। ये आप लोग जो है नोट करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? याद रखेंगे, लिखेंगे वर्तमान में, लिखेंगे इसी पॉइंट में, लिखेंगे इस रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि वर्तमान में भारत और ऑस्ट्रेलिया, एट द प्रेजेंट टाइम इंडिया बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, जो ट्रेड करते हैं आपस में वो है 31st अरब डॉलर का ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं। ठीक है भैया, ये तो हो गई इसकी आपकी बेसिक चीजें। अंजलि जी, हर चीज की पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। अब मैं साथों साथ बोल रहा हूं, आप लोग लिख क्यों नहीं रहे हो? मैं पढ़ाऊं एक एक चीज लिख के, हालांकि मैं लिखूंगा इसको, लेकिन आप क्यों नहीं लिख रहे हो? ठीक है, क्लियर है? पॉइंट ही तो लिखने हैं आप लोगों को। अब इसके परिणाम लिख लीजिएगा आप लोग। अब हेडिंग डालेंगे इसके परिणाम क्या होंगे, ठीक है? परिणाम, या आप लोग इसके प्रभाव लिख सकते हैं, प्रभाव, या इंग्लिश में लिख सकते हैं इसके इफेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है भैया? कोजिस लिख सकते हैं इसके, जो भी है। तो इसके परिणाम लिख लेंगे फटाफट से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जल्दी से लिख लेंगे आप लोग। लिख लेंगे दोनों देश, ये कॉमन चीज है, ये आप कॉमन सेंस लगा के भी लिख सकते हैं। दोनों देशों के बीच में व्यापार का बढ़ावा मिलेगा, यानी 200 देशों के बीच में बिजनेस जो ट्रेड है उसको सपोर्ट मिलेगी, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो एक जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा, पहली लाइन, ठीक है? दूसरा आप लोग लिख लेंगे, इससे जो है आने वाले 5 सालों में $50 बिलियन तक, जो मैंने अभी आपको 31 बताया था, वो 50 अरब डॉलर तक जो बिजनेस है, ट्रेड है, वो बढ़ जाएगा। इसका परिणाम जो है लिख लेना फटाफट से। साथ में आप लोग लिख लेना दोनों देशों के बीच में आप लोग लिख लेंगे कौन कौन से फील्ड हैं, कपड़ा यानी क्लोथ, हीरा यानी डायमंड, आप लोग लिख लेना, कपड़ा है, हीरा है, डायमंड है, आभूषण या ज्वेलरी आप लोग कहेंगे, और नंबर 4 आप लोग लिख लेंगे चमड़ा यानी लेदर। इनका भी क्या होगा, ट्रेड क्या होगा, वो भी व्यापक स्तर का, मतलब है हाई लेवल पर जो है दोनों का बढ़ जाएगा। ये भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? बात क्लियर हो गई? तो ये थे आप लोगों का इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसके सिग्निफिकेंस, उसकी जो इम्पोर्टेंस है। केवल की पॉइंट्स आप लोगों को याद रखनी है, क्या क्या आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? क्लियर है? इसको आप लोग लिख लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के मुख्य परीक्षा में 50 से लेकर 50 मिनिमम 50 शब्दों में और मैक्सिमम 100 शब्द में आप लोगों के आएंगे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है? कॉमन शब्दों का यूज आप उसी कॉन्टेस्ट में करें जब आप लोगों को फैक्ट याद नहीं आ रहे, जैसे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो प्रभाव में आप नकारात्मक चीजें नहीं दिखाएंगे, पॉजिटिवली आप इसमें दिखाएंगे कि
अगर बच्चों को वीजा मिलेगा स्टूडेंट्स को, तो और ज्यादा पढ़ाई और शिक्षा का आदान प्रदान होगा, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का आपस में शेयर करेंगे दूसरे एक दूसरे के देश, तो और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। ये पॉइंट्स आप लोग अपने कॉमन सेंस के आधार से भी लिख सकते हैं। अगर कोई टैरिफ एक दूसरी कंट्री कोई टैक्स नहीं लगाता है, तो उसके ऑटोमेटिक कई तरह के फायदे आप लोगों के हो जाएंगे। साथ में जो सामान है, जो भी गुड्स है हमारा, वो भी सस्ता होगा। पहली लाइन आप ये भी लिख सकते हैं, यानी ये जब जब टैक्स ही नहीं लगेगा, तो वो आम जनमानस को, हम लोगों को भी चीजें सस्ती मिलेंगी। बात क्लियर होगी आप सभी को? क्लियर हो गई? बताइए जल्दी से, क्लियर हो गया सभी साथियों को? क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, ये तो था हमारा इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट से एक इंपॉर्टेंट। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं कुछ चर्चित स्थल पर। जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, उस पर ये आज पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को मिल जाएगी। मैं हिंदी मीडियम की पीडीएफ से आप लोगों को ये समझा दे रहा हूं। मैंने जब क्लास स्टार्ट करी थी, आप लोगों को बताया था आज कई सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक आप लोगों को कराने वाला हूं। तो सबसे पहले है आज का चर्चित स्थल जो आज हम लोग पढ़ेंगे फटाफट से, वो है आपका कुबत अल हवा। कुबत अल अत हवा ये जगह का नाम है और ये पड़ती है मिस्र में, ठीक है? ये आप लोग याद रखेंगे। और ये चर्चाओं में क्यों रहा है? ये मिस्र का है और यहां एक मकबरे में बिना सिर वाली मगरमच्छ की मम्मी मिली है। ये आप लोग बस इतना याद रखेंगे। ये चर्चित प्लेस आप लोगों को 10 शब्दों में या 25 शब्दों में लिखने के लिए आएंगे। 25 शब्द का मतलब होता है 2.5 से 3 लाइनों में लिखने के लिए आप लोगों को आएगा, ठीक है? क्लियर है? क्लियर होगी बात आप लोगों को? केवल की पॉइंट्स के आधार पर ही आप लोग, यदि आप लोगों को ये याद है मगरमच्छ की मम्मी मिली है, तो समझ लेना पूरे नंबर आपको मिल गए। अगर ये याद नहीं होगी और बाद में आप कुछ भी लिख रहे ना, तो नंबर मिलने की संभावनाएं कम हो जाएंगे, ठीक है? आगे बढ़ेंगे फटाफट से, आगे बढ़ेंगे वायनाड। ये आप लोग नोट करेंगे, वायनाड क्या है? अगर हम बात करें तो ये केरल का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर नीति आयोग आयोग के इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत, आईडीपी के तहत जो है, वायनाड शहर को अक्टूबर मंथ के लिए पहला स्थान मिला है। अब वायनाड इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि राहुल गांधी यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसलिए एग्जाम में आने की संभावनाएं इसकी जो है बढ़ जाएगी, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? राहुल गांधी वाली लाइन आप सबसे लास्ट में लिखना, क्योंकि वो पॉलिटिकल लाइन है। और ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि न्यूज में रहा था, बिकॉज नीति आयोग ने इसको जो है समग्र प्रदर्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट वायनाड डिस्ट्रिक्ट को जो है इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत बेस्ट डिस्ट्रिक्ट घोषित किया था अक्टूबर 2022 में। आप लोग जो है लिख लेंगे। इसके ग्राउंड क्या है जो ये नीति आयोग घोषित करता है, उसकी ग्राउंड क्या है? सबसे पहले तो हेल्थ और न्यूट्रिशन, पोषण स्तर का देखा जाता है, स्वास्थ्य हमारा, इकोनॉमिकल जो है कंडीशन देखी जाती है, वित्तीय समावेशन, स्किल डेवलपमेंट यानी कितना कौशल विकास हुआ है, ये ग्राउंड आप लोगों को तीनों याद रखनी है, इसलिए ये चर्चाओं में था। अब बात आती है नीति आयोग की, तो नीति आयोग भी मैं आप लोगों को साथ के साथ ही करा देता हूं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं कुछ लिस्ट आप लोगों को बना देता हूं जो आप लोगों को तैयार करनी है और ये आप लोगों को याद भी करनी है। इलेक्शन कमीशन है आप लोगों का, इलेक्शन कमीशन, आप ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। जैसे लास्ट ईयर महिला आयोग आपका आया था, महिला आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी आप लोग याद रखेंगे, वित्त आयोग, ये आप लोग लिस्ट बना लो। ये आपको मैं क्लास में तो कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एससी एसटी कमीशन या आप लोगों का आयोग कह देंगे, या ओबीसी कमीशन आप लोग लिख लेना, ओबीसी कमीशन, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है भैया? और एक है आपका एनएचआरसी, ये भी आप लोग लिख लेना। मेरे हिसाब से जो एक कमीशन की लिस्ट मैंने बनाई है, ये जितने भी कमीशन हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो या फिर स्टेचुरी बॉडी हो उनकी, ये आप लोगों के एग्जाम में भैया आते ही आते हैं। और इसमें एक रह रहा है यूपीएससी, ये भी आप लोग
लिख लेना, इसकी लिस्ट आप अपने तरीके से बनवा लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत। और एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, ये भी आप लोग जो है लिख लेना, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC, ये भी एक बार आप लोग जो है देख लेना। ये लिस्ट मैंने बता दी है और यही कमीशन आपके एक आपका डेफिनेटली 5 मार्क्स में आप लोगों का आएगा 100%। ठीक है भैया, क्लियर है। अब नीति आयोग की बात आई है तो नीति आयोग मैं प्रीलिम्स में भी कई बार बता चुका हूं, परंतु आप लोगों को एक सिनोप्सिस इसका बना देता हूं, बहुत छोटा सा सिनोप्सिस है, फटाफट से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सारे बच्चे हेडिंग डाल लेंगे नीति कमीशन या नीति आयोग। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगी, नेशनल, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा सारे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है भैया, अब देखो इसको मेंस में लिखेंगे, हालांकि मैं मेंस में लिख के दूंगा इसे ग्रुप में आप लोगों को, परंतु मैं ओरली बता दे रहा हूं, आप लोग लिखेंगे नीति आयोग की स्थापना जो है इट वाज एस्टैब्लिश इन 1st of January 2050। ये आप लोग जो है नोट करेंगे फटाफट से, लेकिन सबसे पहले लिखेंगे इसकी घोषणा कब हुई। घोषणा मतलब है इसका अनाउंसमेंट कब हुआ था, ये भी आप लोग जो है नोट कर लेंगे। और ये बना कब, यानी इसका एनफोर्समेंट कब हुआ, एस्टैब्लिश कब हुआ था, ये एस्टैब्लिश आप लोग जो है लिख लेंगे, एस्टैब्लिश कब हुआ था ये भी लिख लेंगे। अनाउंसमेंट करा था मोदी सरकार ने 13 अगस्त 2014 को, और बना कब था ये 1st of January 2015 को। एक तो ये डेट आप लोगों को याद रखनी है। और ये किसको रिप्लेस करा गया था, इसमें योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन है 1950 में बना था हमारा 15 मार्च को, उसके जगह इसको जो है बनाया गया था। यहां पर एक इंट्रो के बाद पैराग्राफ आप लोगों का खत्म हो जाता है। दूसरे पैराग्राफ में आप लोग लिखेंगे, ये मैं लिख के दूंगा प्यारे साथियों, जो जो मैं बोल रहा हूं आप सिनोप्सिस बना लो, मैं अपने तरीके से आप लोगों को लिख के दूंगा, तो इसलिए पैनिक मत होइएगा, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी, क्योंकि कमीशन की मैं एक ही PDF आपको दूंगा पूरी की पूरी। ठीक है ना, ठीक है, कमीशन की पूरी PDF एक ही दूंगा, तो आप पैनिक मत करिए। ठीक है, चलिए फिर दूसरी लाइन आप लोगों को लिखनी है कि ये जो है ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये आप लोगों की लीगल कोई बॉडी है, ये है आप लोगों की आप सांवैधानिक यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एक प्रकार की एडवाइजरी बॉडी है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये प्रीलिम्स में भी कई बार क्वेश्चन जो है आ चुका है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसी में लिख देंगे नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है, यानी थिंक टैंक ऑफ इंडिया हम नीति आयोग को कहते हैं, आप लोग ये लिखिए, यानी भारत सरकार के लिए जो भी योजनाएं बनेंगी, तो योजना बनने के लिए जो ड्राफ्ट तैयार होगा, उन ड्राफ्ट को बनाने पे जो चर्चा होगी, जो उनका क्रियान्वयन करेगा, जो उनको तैयार करेगा, वो नीति आयोग ही करता है, आप लोग याद रखेंगे। और किसी भी मामले में भारत सरकार को एडवाइस देना या राज्यों को एडवाइस देना, जैसे किसी इनोवेशन साइंस के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, एजुकेशन के मामले में, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ये एडवाइस भी दे सकता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसकी स्ट्रक्चर याद रखनी है, नीति आयोग की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। ठीक है, फटाफट से इसकी स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। इसमें एक तो होता है, एक करके लिख रहा हूं, एक होता है प्रेसिडेंट इसमें। ठीक है, एक होता है प्रेसिडेंट हमेशा PM होंगे, PM यानी मोदी जी होंगे, इसमें वर्तमान में मोदी जी हैं भारत के प्रधानमंत्री। दूसरी बॉडी है जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी मीडियम वाले अध्यक्ष लिख लेंगे यहां पर अध्यक्ष। ठीक है, इसके सिनोप्सिस बना लो भैया, याद रहेगा आप लोगों के। दूसरा है गवर्निंग काउंसिल। ठीक है, गवर्निंग काउंसिल आप लोग नोट कर लेना, गवर्निंग काउंसिल इसमें होती है, ये आप लोग नोट कर लेना, हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे गवर्निंग काउंसिल में शासकीय परिषद। ठीक है, नंबर सी पर आप लोग लिखेंगे
वैसे क्योंकि इस गवर्निंग काउंसिल में जो है आप लोग याद कर लेंगे, इस गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होगा यहां पे लिख लेना, ऑल सीएम, सीएम ऑल सीएम चाहे वो स्टेट हो और दिल्ली पांडुचेरी के भी आप लोग इसमें लिख लेना, और प्लस जिनके सीएम वगैरह नहीं है जैसे यूनियन टेरिटरी के होते हैं जैसे उपराज्यपाल वो सब होंगे इसमें, ठीक है, गवर्नर, गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह जो है, ठीक है, जहां पर सीएम नहीं आप लोग समझ गए होंगे, बात क्लियर होगी आप सभी को, जहां पर विधानमंडल है लेजिस्लेटिव है तो वहां पर सीएम और जहां पर नहीं है तो वहां के गवर्नर जैसे दवनदीप और इनके, क्लियर है। नंबर सी आप लोग लिखेंगे फटाफट से, नंबर सी पॉइंट में लिखेंगे रीजनल काउंसिल, ठीक है, आप लोग लिख लेंगे कौन सी है भैया, रीजनल काउंसिल आप लोग लिखेंगे फटाफट से, और इसको लिखेंगे क्षेत्रीय परिषद, इसको लिखेंगे क्या, क्षेत्रीय परिषद, ठीक है प्यारे साथियों। इसके बाद क्षेत्रीय परिषद की अगर हम बात करें तो ये क्षेत्रीय परिषद का एक ऑब्जेक्टिव होता है सीधा सीधा, जब परिषद का गठन इसलिए करा जा सकता है इसमें, जब किन्हीं दो राज्यों में कोई डिस्प्यूट है किसी मामले को लेकर, और ये हमेशा यहां पर नोट डाल के लिख लेना, ये लिमिटेड टाइम के लिए होती है, लिमिटेड टाइम के लिए बनेगी, ठीक है, यानी इसका जो फॉर्मेशन होगा लिमिटेड टाइम के लिए होगा, ओनली कोई ए पर्पज, बस याद रखेंगे, ये रेगुलर नहीं रहेगी, ये आप लोग याद रखेंगे। नीति आयोग डिसाइड करेगा कौन इसका अध्यक्ष रहेगा कौन नहीं रहेगा, परंतु ये स्ट्रक्चर में शामिल है, ये टेम्परेरी है, ये आवश्यकता के अनुसार बनाई जा सकती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के मामले में, असम के और नागालैंड के झगड़े के मामले में, मणिपुर मेघालय के झगड़े के मामले में, इस आधार पर इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। नंबर डी है इसमें, नंबर डी है आमंत्रित सदस्य, आमंत्रित सदस्य का मतलब होता है इनवाइटेड मेंबर, ठीक है, इनवाइटेड मेंबर आप लोग लिख लेंगे, या विशिष्ट, आमंत्रित नहीं विशिष्ट, सॉरी ये गलत हो गया, विशिष्ट सदस्य है, विशिष्ट, विशिष्ट सदस्य या स्पेशल, स्पेशल मेंबर, स्पेशल मेंबर। अब स्पेशल मेंबर जो है प्रधानमंत्री बनाएगा, पहली बात ये याद रख लेना, कौन किसको पावर होगी, भारत के प्रधानमंत्री को, और वो एक्सपर्ट हो सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी आधार पर कोई अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो सकते हैं जिन, या फिर कोई ऑफिसर भी हो सकता है, कुछ भी आप लोग समझ गए होंगे, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट को प्रधानमंत्री जरूरत के हिसाब से यहां पर बुला सकते हैं, ये आप लोग लिख लेंगे, यानी इन्हें जो है नॉमिनेट आप लोग करेंगे, नॉमिनेट बाय पीएम आप लोग जो है लिख लेंगे, या पीएम की जगह आप जो है ना यहां पर लिख लेना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, मतलब प्रधानमंत्री, ये आप लोग लिख लेंगे, क्लियर होगी बात आप सभी को, ये स्पेशल इनको जो है बुलाएंगे जब जरूरत होगी सरकार को, ये आप लोग जो है लिख लेंगे, विशिष्ट आमंत्रित सदस्य हैं, स्पेशल इनवाइटीज इनको जो है हम लोग बोलेंगे। इसके बाद है नंबर डी में, जो आप लोगों के नंबर ई है, नंबर ई में है आप लोगों के, वो है आपके पूर्णकालिक, पूर्णकालिक सदस्य अगर हम कहें तो, पूर्णकालिक, यानी पूर्णकालिक का मतलब है कि ये नंबर ई जो क्लोज है ये बताती है कि ये परमानेंट, ठीक है, परमानेंट मेंबर होंगे, परमानेंट स्ट्रक्चर होगी ये पूरी की तरह, परमानेंट स्ट्रक्चर होगी आप लोगों की। इसके अंदर रोमन में आप लोग लिख लेंगे कौन कौन सी चीजें इसमें हो सकती हैं। नंबर एक, इसमें एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, एक आप लोगों का इसमें सीईओ होगा, आप लोग इसमें नोट कर लेना। नंबर तीन पर इसमें एक सचिवालय होगा, सेक्रेटरेट होगा, ठीक है, इसमें आप लोग लिख लेना, एक इसमें जो है एक्स ऑफिसो होंगे, एक्स ऑफिसो, एक्स ऑफिसो मतलब पूर्णकालिक सदस्य जो होते, एक्स ऑफिसो। और फिर आप लोग इसमें लिख सकते हैं एक जो है इसमें फटाफट से आप लोग लिख लेंगे, या पदेन सदस्य इन्हें कहेंगे, और नंबर पांच लिख लेंगे आप लोग क्या है, अंशकालीन, अंशकालीन मतलब सो कुछ समय के लिए, अंशकालीन सदस्य यानी शॉर्ट टर्म्स मेंबर। सूर्य प्रताप जी कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, मैं दोबारा इसको रिवीजन करा दूंगा,
ये केवल स्ट्रक्चर है, लिख के मैं ऑलरेडी आप लोगों के ग्रुप में इसको दे दूंगा, आप बस इसको समझिएगा। नीति आयोग है, नीति आयोग हमारा बना 1 जनवरी 2015 को। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसका ऑब्जेक्टिव बस एक है, भारत सरकार के लिए योजना बनाना। बात क्लियर? बना कब? 1 जनवरी 2015। ऑब्जेक्टिव भारत सरकार के लिए योजनाएं बनाना। इसको भारत सरकार का थिंक टैंक कहते। इसके स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में इसके 5 किलोज हैं। 5 किलोज में क्या है? पहला प्रधानमंत्री है, दूसरा गवर्निंग काउंसिल है, तीसरा रीजनल काउंसिल है, चौथा स्पेशल इनविटीज हैं जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी बनाएंगे, पांचवा क्या है इसकी फुल टाइम स्ट्रक्चर है जो मैंने ये बताई है, इसमें भी 5 किलोज हैं। एक इसका वाइस प्रेसिडेंट होगा, एक सीईओ होगा, एक सेक्रेटरीट होगा, एक्स ऑफिसो होंगे यानी जिसे हम पदेन सदस्य कहते हैं, अंशकालीन सदस्य मतलब शॉर्ट टाइम मेंबर भी होंगे। बस ये इसकी स्ट्रक्चर है। बताइए समझ में हो आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को? ठीक है, बताइए समझ में आ रहा है? ये इसकी परमानेंट स्ट्रक्चर है, ये वाली ई जो पॉइंट है, ये एक इसका ढांचा बताया। अगर आप लोगों को ये याद है ना तो मुख्य परीक्षा में फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी भैया। समझ में आ रहे हैं आप लोग? एक बार दोबारा बता देता हूं भैया, नीति आयोग घोषणा अनाउंसमेंट बना कब? 1 जनवरी 2015 को। इसकी हम लोगों ने 5 किलोज देखी, पहले में प्रेसिडेंट, दूसरे में गवर्निंग काउंसिल सारे राज्यों के मुख्यमंत्री चीफ, रीजनल काउंसिल क्षेत्रीय होगी ओनली पर्पस फॉर एनी डिस्प्यूट, फिर विशिष्ट इनविटीज जो स्पेशल सदस्य होंगे, नॉमिनेट कौन करेगा? प्रधानमंत्री। ई में क्या है? परमानेंट स्ट्रक्चर दे दी, और इसमें भी 5 किलोज दे दी कि भैया इसका एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, एक सीईओ होगा, एक सचिवालय सेक्रेटरीट होगा, एक्स ऑफिसो पदेन सदस्य होंगे और शॉर्ट टाइम मेंबर होंगे। बस ये आप लोगों को याद रखना है, नीति आयोग। अगर ये स्ट्रक्चर ठीक है तो मेंस का आंसर आप लोगों का ठीक हो जाएगा, बाकी तो आप लोग समझेंगे। अब जैसे मान लीजिएगा सचिवालय के आगे आप लोगों को लिखना है, इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए अधिकारी की जरूरत पड़ेगी, तो जैसा आवश्यक समझेंगे सरकार इसको बना सकती है सचिवालय को। भाई नीति आयोग का एक वो भी तो होगा, पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे इसके, और वर्तमान में हैं परमेश्वर अय्यर सीओ हैं, सुमन के बेरी जो हैं वो कौन है आप लोगों को प्रीलिम्स में करा चुका हूं, उनका नाम है सुमन के बेरी जी का वाइस प्रेसिडेंट। अगर इतने ही लिख देंगे ना 100 शब्द तो इतने ही हो जाएंगे भाई साहब जब आप सेंटेंस बनाओगे तो। बात क्लियर हो गई? ये तो मेरी याद आ गया था इसलिए मैंने आप लोगों को करा दिया। और एक प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग जो 1950 में बना था, आप लोगों को पता है 15 अगस्त 1950 को उसकी जगह इसको बनाया था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं, चर्चित प्लेस की ओर, वायनाड हम लोगों ने देख लिया, अब आते हैं त्रिवेंद्रमपुरम। त्रिवेंद्रपुरम नीति आयोग वैसे तो बहुत बड़ा है, कई तरह के इनोवेशन इंडेक्स निकालता है, बहुत सारी चीजें भी करता है, परंतु शब्दों का भी ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को प्यारे साथियों मुख्य परीक्षा में लिखते हुए। ठीक है भैया, चलिए त्रिवेंद्रमपुरम देखेंगे, केरल का है। हाल ही में यहां पर क्या हुआ है याद रखेंगे, एक म्यूजियम बनाया। म्यूजियम कौन सा बनाया है? पहला विश्व का ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि म्यूजियम बनाया। ये आप लोग जो है नोट कर लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और यहां पर त्रावणकोर की कहानियों को प्रदर्शित किया गया है, भारत और यूरोपीय शक्तियों के रिलेशन को दिखाते हुए। ये आप लोगों को यहां पर याद रखना है भाई। आगे बढ़े भाई, किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? जल्दी मुझे बता दीजिएगा। अब नीति आयोग के हाँ सीईओ तो वो चेंज हो गए, वीआर सुब्रमण्यम बन गए। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? जल्दी मुझे बताइएगा फटाफट से। आगे बढ़े, चर्चित प्लेस में करवा रहा हूं, ये पीडीएफ 100 लिस्ट बनवाई है मैंने, 100 ऐसे स्थान बनवाए हैं और 100 ही आप लोगों को बनवाए हैं क्या व्यक्तियों की लिस्ट 50 में दे चुका हूं, बाकी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए एक मेरी याद आ गया यहां पर ही लिख लेना, उज्जैन। ठीक है, तो उज्जैन क्यों चर्चाओं में, यहां पर ही लिख लेना, सब बच्चे लिखेंगे उज्जैन। उज्जैन क्यों है यहां पे लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर पीएम मोदी जी ने एक काम कराया, क्या कराया, अक्टूबर 2022 में
अक्टूबर 2022 में, यहां पर आप लोग नोट कर लेना, यहां पर महाकाल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महाकाल लिख लेना, महाकाल लोक कॉरिडोर, महाला कॉरिडोर ये बनाया है, महाकाल लोक कॉरिडोर बनाने की घोषणा करी है, इसको लिख लेना प्यारे साथियों, अक्टूबर 2022 में। और कितने रुपए खर्च करके बन रहा है ये, आप लोग लिख लेना 850 करोड़ खर्च होंगे इस कॉरिडोर बनने में, ठीक है। उज्जैन आपको पता ही है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हम इसे महाजनपदों में पढ़ते हैं, अवंती, अवंती आप लोग जानते ही होंगे, चाहो तो इस लाइन को भी लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्लियर है। और यहां पर इस कॉरिडोर की विशेषता यह है, इस कॉरिडोर में आप लोगों को बता दूं, इस कॉरिडोर में 108 आप लोग नोट कर लेना, 108 पिलर बनाए जाएंगे, स्तंभ बनाए जाएंगे, ये भी जो है आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी लाइन में लिख लेंगे कि कॉरिडोर के अंदर क्या होगा, 108 स्तंभ बनाए जाएंगे त्रिशूल के, ये आप लोग नोट कर लेंगे भगवान शिव के, बस ठीक है। तो ये कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी उज्जैन में देखो, अंजलि जी ने बताया अभी शिप्रा नदी के किनारे, तो आप लोग लिख सकते हैं मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर शिप्रा नदी के किनारे पर है, और जहां पर अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, ये आप लोग याद रख सकते हैं, जो 850 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, ये आप लोग जो है नोट कर लेना, जिसमें 108 जो है पिलर बनेंगे, स्टैचू बनेंगी भगवान शिव की, ये आप लोग याद रखेंगे, क्लियर है, ये आप लोग जो है नोट करेंगे, ठीक है। इस कॉरिडोर में जितने भी तीर्थ यात्री हैं हमारे वो याद रखेंगे, आधुनिक विश्व स्तरीय यहां पर जो है सुविधाएं मिलेंगी उन यात्रियों को ध्यान में रखते हुए इस कॉरिडोर को बनाया गया है। आगे एक जगह का नाम और याद आ रहा है, आप लोग नोट कर लेंगे, एक जगह और लिख लेंगे आप लोग फटाफट से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्या, वाराणसी और लिख लेना, ये भी कई बार आपके एग्जाम, क्योंकि करंट अफेयर में काफी चर्चाओं में है वाराणसी, ठीक है, तो वाराणसी भी लिख लेना प्यारे साथियों। यहां पर एक तो आप लोग लिखेंगे, आप वाराणसी को लिखेंगे पहले, क्या तीन चार बातें यहां पर इंपॉर्टेंट है, एक तो याद रखेंगे आप लोग, यहां पर लिखेंगे गंगा विलास का उद्घाटन हुआ था, गंगा विलास जो क्रूज था वो यहां से अभी जो है क्रूज वो स्टार्ट हुआ था, जो भारत से असम गया है बांग्लादेश होते हुए, ठीक है। एक आप लिखेंगे हिंदी तमिल संगम जो बना है, ये भी आप जो है नोट कर लेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आप लोग जो है इसको यहां पर लिख लेंगे। इसके साथ आप यहां पर लिख लेंगे एससीओ जो है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पर इसको जो है सांस्कृतिक कल्चरल कैपिटल जो है सिटी या कैपिटल घोषित कराए, ये भी आप जो है नोट कर लेंगे। वेट, ये काशी हिंदी नहीं है, काशी तमिल संगम। तो ये चार लाइनें आपको याद रखनी है, और पांचवी एक और याद रखनी है, इसी एससीओ की सबमिट भी कहां पर होगी 2023 की। तो पांच लाइनें आप लोग याद रख लेना, वाराणसी आपका कंप्लीट। दोबारा बता दे रहा हूं, गंगा विलास क्रूज यहां से स्टार्ट हुआ, काशी तमिल संगम बना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, एससीओ ने कल्चरल कैपिटल घोषित करा, और एससीओ की सबमिट 2023 में। अगर ये पांच पॉइंट याद है तो कैसे ही क्वेश्चन आ आराम से आप लोग लिख देंगे। बताइए कर दोगे, हाँ या ना में जवाब मुझे दे दो। कितने प्लेस हो गए हमारे, जल्दी मुझे बता दो कितने हो गए, जल्दी बता दीजिए कितने हो गए। भैया ये पीडीएफ विवांशु जी बन रही है, अभी बन रही है यार, जैसी कंप्लीट हो जाएगी मैं खुद डाल दूंगा, ठीक है, जैसे ही, क्योंकि डेली लिखना पड़ता है करना पड़ता है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक एक दो दो करके डाल रहा हूं, जैसे बन जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, परेशान मत होइए।
जब मैंने आप लोगों से एक बार कह दिया तो कह दिया 100 व्यक्ति मैं आप लोगों को लिस्ट दूंगा, 100 ही चर्चित प्लेस दूंगा, फुल फॉर्म्स मैं दे चुका हूं, करंट अफेयर के जो मिसलेनियस टॉपिक करा रहा हूं ये भी दूंगा, परंतु ये सब आप लोगों की सुविधाओं के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा भाई, ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और इंपोर्टेंट चीजें। पर्सन मैं आप लोगों को फेमस पर्सन और करा देता हूं, जो इंपोर्टेंट पर्सन है 5 प्लेसेस मैंने करा दिए आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल मैंने अब्दुल फतेह आप लोगों को कराए थे, अल सीसी मिस्र से आए थे भारत के रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के रूप में, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। झूलन गोस्वामी मैंने बताई थी, ये भी आप लोगों को याद होनी ही चाहिए। मैंने ब्राजील के पेले बताया था, फुटबॉलर है, 72 गोल करे, 92 मैचेस खेले, ये भी आप लोगों को याद होना ही चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे मैं 5 पर्सन और आप लोगों को करा दे रहा हूं। पहले है शिवांगी सिंह। पहले कौन है? शिवांगी सिंह, फटाफट से लिखेंगे। कौन है भाई? शिवांगी सिंह लिखेंगे फटाफट से, शिवांगी सिंह। ये वाली पीडीएफ आप लोगों को आज मिल जाएगी, पहले आज कर लेते हैं शिवांगी सिंह, क्लियर है। शिवांगी सिंह जो है पहली महिला राफेल, याद रखेंगे कौन? राफेल। और यहां पर ही याद रख सकते हैं आप लोगों को, मुख्य परीक्षा में राफेल पे भी लिखने के लिए आ सकता है, तो राफेल आप लोग यहां से लिख लेंगे। फ्रांस से आए, फ्रांस से लिए, टोटल कितने लिए? 36 लिए। बनाए किसने? दसाल्ट कंपनी ने। ये भी आप लोग जो है नोट कर लेना, ठीक है। ये राफेल के बारे में सिनोप्सिस बता दिए मैंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत ने खरीदे थे राफेल, और ये क्या है? फाइटर प्लेट आप लोग इसको लिख लेना, क्या है ये? फाइटर प्लेन है, लड़ाकू विमान है, ठीक है। एक लाइन तो आप लोगों की यही हो जाएगी, लड़ाकू विमान है, फाइटर प्लेन है, फ्रांस ने बनाए, दसाल्ट कंपनी ने, भारत ने 36 लिए थे, बस। तभी आप पे, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब कराऊंगा ना, तो पिनाका क्या है, INS वागसीर क्या है, जैसे अग्नि 5 आया था पिछले साल, ऐसे राफेल पे शॉर्ट नोट्स 25 शब्द लिखने के लिए आ सकता है, तो यहीं पे राफेल लिख लेना, इतना डेटा आपके पास है तो सेंटेंस बन जाएगा आराम से, ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड में वायुसेना की झांकी में भाग लिया, ठीक है, और ये दूसरी महिला बनी है परेड में भाग लेने वाली, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उड़ाने वाली पहली राफेल को, परेड में भाग लेने वाली दूसरी शिवांगी सिंह। इसके बाद आप नोट करेंगे, आगे पढ़ेंगे सियोमारा कास्त्रो फटाफट से देखेंगे कौन है। ये जो है होंडुरास की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है होंडुरास की, सियोमारा कास्त्रो। और ये जो है, मतलब ये चीजें लिख सकते हैं, मादक पदार्थ जो है उनकी तस्करी रोकना या गर्भपात कानूनों को बनाने का इन्होंने वादा करा था, इसलिए जो है ये चर्चाओं में रह के होंडुरास की प्रेसिडेंट बनी थी, बस इतना इसमें याद रखना है। इसके बाद है हरप्रीत चांडी आप लोग लिखेंगे, भारत की पहली अश्वेत महिला है, और ये दक्षिण ध्रुव साउथ पोल लिख लेंगे आप लोग, साउथ पोल पर जाने वाली पहली भारतीय मूल की सिख अधिकारी है, और ब्रिटिश सेना में भी वर्तमान में है। मैं दोबारा से बता दूं, ब्रिटेन की तरफ से गई, सिख हैं, भारतीय मूल की हैं, कहां पर गई? नॉर्थ पोल पर, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, ये आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनका टाइटल है पोलर प्रीत, इनका टाइटल है पोलर प्रीत। आगे बढ़े भाई, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद है जानवी डांगोती, तो ये आंध्र प्रदेश की हैं, ठीक है, और इन्हें जो है अभी जो है अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम में नासा में आप लोग लिख लेंगे जानवी गंगोती, कहां की है? आंध्र प्रदेश की। और इस कार्यक्रम में इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, नोट कर लेना, इंटरनेशनल
एयर स्पेस प्रोग्राम बाय नासा, ठीक है, इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम बाय नासा के द्वारा ये चिन्हित की गई थी, इन्होंने कंप्लीट कर लिया, भारत की लड़की है और इन्होंने आंध्र प्रदेश की है और ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनी है, ठीक है भैया, कुछ भी आ सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अंजलि जी बता रही हैं यूपी एपीओ में आया था, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा मुझे आप कमेंट बॉक्स में नासा की फुल फॉर्म बता दो, सारे बच्चे नासा की फुल फॉर्म में बता दीजिएगा, नासा की फुल फॉर्म बताइए, चलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नासा की फुल फॉर्म, नासा की फुल फॉर्म बताइए जल्दी से, नासा 1958 में बना था, वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। इसके बाद है जिया राय, आप लोग नाम लिखेंगे आगे, जिया राय, तो ये क्या है, भारतीय पैरा स्विमर है, पैरा एथलीट होते हैं ना जो विकलांग होते हैं किसी ना किसी तरीके से, पैरा स्विमर है ये आप लोग लिखेंगे, बीमारी का नाम है ऑटिज्म, ऑटिज्म से पीड़ित है, ठीक है। हाल ही में इन्होंने भारत श्रीलंका फ्रेंडशिप कप जीता है, भारत श्रीलंका फ्रेंडशिप कप जीता है, ठीक है। नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार बच्चे इसे एजेंसी कर देते हैं, एजेंसी गलत है, बद्रुनिशा कह रही है स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, लास्ट में मैंने जानबूझ के आप लोगों से पूछी थी, ठीक है। और इन्होंने जीआरआई ने क्या करा है, जो पाक जल डबरू है हमारी पाक स्ट्रेट है 28.5 किलोमीटर की दूरी को 13 घंटे 10 मिनट में तैरकर स्विमिंग करके इन्होंने पार किया है, और ये पैरा स्विमर है, ये भी आप लोग लिख लेना, और इसके आगे लिख लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है, क्लियर है भाई सभी को। आगे लास्ट आपको करा रहा हूं इसी का, बबीता सिंह, नहीं इसको छोड़ देंगे बबीता को, चलिए आगे मैं आप लोगों को अब आज होमवर्क दे रहा हूं, आज के क्लास का मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आज आपके लिए होमवर्क है जो आप लोगों को करना है, फटाफट से आप सब लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आप लोगों को शिंजो अबे इन पर लिख के दिखाना है फटाफट से, पहला। दूसरा आप लोगों को ऋषि सुनक इन पर लिख के दिखाना है, लिखना है। नंबर तीन है आप लोगों का, वो है रुचिरा कंबोज इन पर लिखना है, और ये मैं क्लास में करा चुका हूं तो बिना देखे लिखना है आपको, ये नंबर चार आप लोगों को लिखना है फटाफट से, वो लिखना है आप लोगों को राजीव कुमार जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और नंबर पांच आप लोगों को लिखना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लिखना है अवनी लेखरा, पैरा एथलीट ऑफ द ईयर भी रही है, तो ये वाले पांच पर्सन के बारे में आप लोगों को लिख के दिखाना है, ये होमवर्क है भैया, आपको पांच ही प्लेसेस भी लिखने हैं आज ही, प्लेसेस आप लोगों को लिखने हैं, नंबर एक, नंबर दो मैं बता दे रहा हूं कौन कौन से लिखने हैं, नंबर चार आप लिखेंगे मोरबी, पहला लिखेंगे मोरबी, नंबर दो लिखेंगे आप लोग तासीगंज आप लोगों को लिखना है, नंबर पांच आप लोगों को लिखना है फटाफट से जोशीमठ लिखना है, नंबर छह आप लोगों को लिखना है बेंगलोर के बारे में लिख के दिखाना है, और नंबर पांच आपको दिखाना है पारादीप, ठीक है, ये पांच प्लेसेस के बारे में आप लोगों को लिखना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, खुद करना है, मुझे लिख के मत भेजना अभी, जब तक मैं नहीं कहूंगा मैं आप लोगों को बता दूंगा कब मुझे भेजना है,
फिर मैं चेक करूंगा। ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है। फुल फॉर्म आप लोगों को लिखनी है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूं। आपको IMF की फुल फॉर्म लिखनी है, आप लोगों को एक WWF की लिखनी है, फिर आप लोगों को WWW की लिखनी है, एक आप लोगों को लिखनी है फटाफट से CVC की लिखनी है, एक आप लोगों को लिखनी है फटाफट से यूनिसेफ की लिखनी है, और एक आप लोगों को लिखनी है किसकी, आशियान की, आशियान। ठीक है, ये फुल फॉर्म आप लोगों को लिखनी ही लिखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये डेली होमवर्क आप लोगों को मिलेगा। अब मैं आप लोगों को मेंस के क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों को अग्निपथ योजना, अग्निपथ योजना लिख के दिखानी है, ये 100 शब्दों में लिखनी है, 100 वर्ड्स में। ठीक है, ये, और दूसरा आप लोगों को दिखानी है क्या, प्रधानमंत्री PM जीवन ज्योति योजना, एक ये भी लिखनी है आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है, कर लोगे डेली के डेली, ये छोटी थोड़ी चीजें आप लोग करेंगे तो करंट अफेयर आप लोगों को निपट जाएगी। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के भी प्रोविजन दे रहा हूं आप लोगों को, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 पूरा लिखना है अच्छे से, आर्टिकल आप लोगों को 280 लिखना है पूरे अच्छे से, आर्टिकल 343 ये बहुत अच्छे से आप लोगों को लिखना है। ठीक है, ये भैया कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, थैंक यू।